हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं मोबाइल टेक्नीशियन। दोस्तों, आज मेरे पास फिर से एक पार्सल कर्नाटका से आया है, पोको X2 का, जिसे के भरत कुमार ने मुझे भेजा है। तो इन भाई ने मेरे को बताया कि इसमें टच का प्रॉब्लम है और मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट के लिए सर्विस सेंटर के द्वारा बताया गया था, तो इसलिए इस भाई ने मुझे कांटेक्ट किया और मेरे को पार्सल भेजा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह का दिक्कत है, पोको X2 या कोई भी मोबाइल हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पार्सल भेज के सर्विस करा सकते हैं। तो इसको डिसेंबल करते हैं और फिर देखते हैं इसका क्या डायग्नोसिस है, क्या प्रॉब्लम है। तो फाइनली मैंने सेट को डिसेंबल कर लिया है और मैंने इसमें डायग्नोसिस किया और मैंने पाया कि इसमें सीपीयू का प्रॉब्लम है। बिना रिवर्लिंग का ये सॉल्व नहीं होने वाला है। तो अभी मैं बोर्ड को अच्छे तरीके से प्रोटेक्शन दे रखा है ताकि उसके आईसी एमएमसी वगैरह डैमेज ना हो और सेट हमारा डेड ना हो। उसके बाद अब हम रिवर्लिंग स्टार्ट करेंगे इसको, तो वीडियो में बने रहें अंत तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सीपीयू को रिवॉल्व कर लिया है और हमारा सीपीयू और बोर्ड भी क्लीन है। हमारा मदरबोर्ड सीपीयू फिक्स करने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे सीपीयू फिक्स करने वाला हूँ मैं और जो टेम्परेचर होगा हमारा 350 होगा। SMD हमारा क्विक 2008 है। तो मैं फ्रेंड्स इसको अभी रिवॉल्व करूँगा, तब तक आप वीडियो को एंजॉय कीजिए।
तो गाइस यहाँ पे मैंने सेट को सक्सेसफुली रिवॉल्व कर लिया है और मैंने सारे सप्लाई जो भी इसके सप्लाई हैं सारे सप्लाई मैंने चेक किया, सारे सप्लाई ओके थे और बहुत ठीक ठाक आ रहे थे मेरे को। जीआर वगैरह मैंने सारा चीज़ एवरीथिंग मैंने चेक किया और एक एक चीज़ जो भी इसमें पार्ट्स थे मैंने अच्छे से फिक्स किया। हीटिंग जो टेप है सारे चीज़ मैंने फिक्स कर दिया है और फाइनली मैंने बैक पैनल भी इसको फिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स अभी हम चेक करने वाले सेट को तो आप देख सकते हैं सेट हमारा पावर ऑन हो गया है रिवॉल्व करने के बाद, और जैसे ही ऑन होगा हम इसको टच भी चेक करेंगे क्योंकि ये टच के प्रॉब्लम के लिए कर्नाटका से मेरे भाई ने भेजा था, एक भाई ने भेजा था। तो दोस्तों बहुत सारे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं कि बहुत सारे दुकानदार डेड एक्स लेके और पोको X2 का टच का प्रॉब्लम हो या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ले रहे हैं सेट और उसके बाद डेड हो जा रहा है सेट, वो ऑन भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप यहां देख सकते हैं बिल्कुल हमारा टच का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और ये बहुत अच्छे से टच हमारा वर्क कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास भी इस तरह का प्रॉब्लम है, टच का इशू है पोको X2 में या कैमरे का प्रॉब्लम है या साउंड का प्रॉब्लम है, तो आप हमें पार्सल भेज सकते हैं और घर बैठे बहुत कम खर्चे में रिपेयर करा सकते हैं और बहुत ही ट्रस्टेबल है, यहाँ किसी भी प्रकार का फ्रॉड नहीं होने वाला है आपके साथ, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे मेरे भाई पूछते हैं कि सर मैं पार्सल भेज दूं आप नहीं वापस करोगे, तो भाई हर एक वीडियो मैं शूट करता हूं, जितना भी पार्सल आता है जहां से भी पार्सल आता है मैं वीडियो उसका अपलोड करता हूं और सर्विस वीडियो जो भी होता है। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको वीडियो भी मिलने वाले हैं, आपके सेट में क्या काम हुआ कैसे हुआ आप देखोगे और आपको आपको भी ये ट्रस्ट होगा कि हाँ मेरे सेट में क्या काम हुआ और आपने किस चीज़ का पैसे दिए। तो फ्रेंड्स मैं ये कहने वाला हूँ कि दोस्तों आपका डेटा भी यहाँ सेफ रहने वाला है, तो बेझिझक आप मेरे को पार्सल कर सकते हैं। अगर आपके पास सैमसंग का मोबाइल है हैंग अन लोगों में है उसको भी आप भेज सकते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे से आपका सर्विस होके आपके घर तक पहुँच जाएगा और वो भी बहुत कम खर्चे में। तो फ्रेंड ये पार्सल कर्नाटका से मेरे पास आया था, अभी तक मैंने बहुत सारे स्टेट में भेज चुका हूँ मैं पार्सल सर्विस करके। असम में मैंने भेजा, वेस्ट बंगाल में मैंने भेजा, झारखंड में मैंने भेजा, बिहार में अभी रिसेंटली मैंने भेजा और ये पार्सल कर्नाटका से था, तो ये कर्नाटका जा रहा जाएगा और उसके बाद जो हमारा हरियाणा भी मेरा पार्सल जाने वाला है वो उसका भी मैंने वीडियो शूट कर लिया और अपलोड भी शायद कर दिया। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इन भाई का कर्नाटका से मेरे को पार्सल भेजे थे, इनका रिपेयर हो चुका और अब ये पैक किया जाएगा और इनके तक पहुँचा दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।